बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नदीम शाह और आप देख रहे हैं नदीम शाह यूट्यूब चैनल। तो सब बहन भाइयों दोस्तों को मेरी तरफ़ से सलाम। और आज मैं आज गाजी बहराज और जज्बात का डर था वही हुई और यहां पे एक 22 साल नौजवान 20 से 22 साल नौजवान डूब कर जहाँ भाग हो गया, जिसकी लाश अभी तक नहीं मिली है। तो ये लोग लगे हुए आज दूसरा दिन है इसको ढूँढ रहे हैं, लेकिन कहीं भी लाश का कोई पता भी नहीं है। पानी काफ़ी ज़्यादा है, आज तो थोड़ा कम है लेकिन पानी काफ़ी ज़्यादा था जिसकी वजह से लाश का कोई पता भी नहीं चल रहा है। आज दूसरा दिन है, तीसरा लोग ढूंढ रहे हैं काफ़ी ज़्यादा। रेस्क्यू की टीमें भी आई हैं, नेवी की टीमें भी आई हैं। हमारे गांव काजीपुर से काफ़ी लोग आए थे कल, तो हम लोग भी थे, काफ़ी कोशिश की लेकिन लाश हमें नहीं मिली है। तो लोग आज पटनगढ़ गाँव से आए हैं, ये ढूँढ रहे हैं अभी बिल्कुल करीब से। अगली वीडियो में मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा रश है, खुदा ना खास्ता कोई मसला भी हो सकता है। तो बस जिस बात का डर था, दो बंदे डूबे थे लेकिन एक को बचा लिया था और एक जो है वो डूब गया बेचारा। और ये 20 साल नौजवान था, हरिपुर गांव से था, हरिपुर से ताल्लुक था उसका, हरिपुर शहर से। तो ये देखें, ये काफ़ी लोग कोशिश कर रहे हैं, कुछ लोग काफ़ी नीचे चले जा चुके हैं और कुछ नीचे कोशिश कर रहे हैं लेकिन लाश का अभी तक कोई पता भी नहीं। ये दरिया सिंध है जहाँ से पानी निकलता है, काफ़ी वीडियो यहाँ पे मैंने बनाई हैं पहले भी, लेकिन ये है कि इंतहाई ख़तरनाक और गहरा पानी है ये। तो सब दोस्तों से गुजारिश है, जो भी यहाँ पे आए यहाँ पे नहाने की गलती ना करें। अगर तैराकी ना आती हो या तैरना ना आता हो तो कभी भी इस पानी में नहाने की कोशिश ना करें। तो ये लोग लाश ढूंढ रहे हैं जी, लेकिन अभी तक नहीं मिली है लाश। तो चले मेरे साथ ही रहे, अब मैं पानी में जाता हूँ, यहाँ पे स्विमिंग करूँगा थोड़ी देर के लिए, तो आपको वीडियो बना के साथ दिखाऊँगा। ये गाजी बहराज के पास माजफर में जी, ये देख रहे हैं। दोस्तों यहाँ पे मैं आया हूँ जी ये गहरे पानी की तरफ, तो यहाँ पे मैं अब स्विमिंग करूँगा, स्विमिंग की वीडियो आपके साथ शेयर करूँगा। तो ये जगह देखें, ये दरिया काफ़ी गहरा पानी है यहाँ पे, वो आगे तो इतना गहरा नहीं है लेकिन यहाँ पे बहुत गहराई है पानी की। लेकिन मैं चेक करता हूँ, मेरे साथ ही रहें, मैं थोड़ी सी अपनी स्विमिंग की वीडियो बनाता हूँ और आपके साथ शेयर करता हूँ जी। गहरा है यहाँ पे जी, स्विमिंग मैंने की है तो यहाँ पे काफी गहरा पानी है। दोस्तों अब मैं स्विमिंग करने वाला हूँ, सब दोस्त मेरे को देखें और किस तरह स्विमिंग की जाती है। और अनाड़ी आदमी को पानी में नहीं घुसना चाहिए क्योंकि ये खतरनाक है।
दोस्तों ये मेरे साथ मेरा दोस्त है जी तारिक शाह। तो हम स्विमिंग के लिए आए थे यहाँ पे, तो स्विमिंग की मूवी बना रहा हूँ मैं आज। स्विमिंग किस तरह की जाती है मैंने भी की है, मेरा दोस्त भी कर रहा है। तो पानी बहुत ज़्यादा गहरा है यहाँ पे, तो प्लीज़ प्लीज़ सब दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि जो दोस्त यहाँ पे नए आए इनको तैरना या तैराकी ना आती हो बिल्कुल भी इस पानी के करीब भी ना जाएं, क्योंकि बहुत ख़तरनाक ठंडा और गहरा पानी है। दरिया सिंध यहाँ से निकल रही है, पहले भी मैं यहाँ की वीडियो बना चुका हूँ काफ़ी। तो यहाँ पे परसों एक बच्चा डूबा है 18-19 साल का, तो उसकी लाश कल भी ढूंढते रहे हैं लेकिन नहीं मिली है। तो आज भी काफ़ी लोग गए हैं ढूंढने के लिए लेकिन फ़िलहाल कोई चांस भी नहीं है। तो चलें यहाँ पर, आपसे मैं इजाज़त चाहूँगा। तो सब दोस्तों से मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरा चैनल नदीम शाह तरबेला गाजी को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली वीडियो आप तक टाइम पर पहुँचे। और साथ ही अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ प्लीज़ लाइक कीजिएगा, और मेरी वीडियो में अगर पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में मुझे अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। नदीम शाह को इजाज़त दीजिए जी, अल्लाह हाफिज़।